हमारे चैनल का नाम है लेट्स टॉक अबाउट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करिए। ये वीडियो को प्लीज लाइक करें, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं चिकन हंडी बिरयानी। चिकन हंडी बिरयानी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आज हमने वही सोचा कि जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन दम बिरयानी बनता है, हम वही टाइप का चिकन दम बिरयानी बना के आपको दिखाएंगे। ये जो हंडी बिरयानी है, हम इसको 5 स्टेप में डिवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप नोट करिए और देखिए ये कितना इजीली बन जाता है। तो पहले स्टेप के लिए, तो पहला स्टेप है मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए चाहिए आपको 1 kg चिकन। ये विद बोन मैंने लिया है, बिकॉज बोन वाला चिकन जब आप बिरयानी बनाते हो वो बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। फिर उसमें आप 1.5 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1.5 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस 2 चम्मच, तेल आप 2 से 3 चम्मच लीजिए। ये सारे चीजें आप चिकन में मिक्स कर दीजिए और एक बड़ा कटोरा दही का लीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये जो मसाला है ये चिकन पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए और ये मैरिनेशन को आप 2 से 3 घंटा फ्रिज में या फिर बाहर ठंडे जगह पे रख दीजिए। आप जितने ज्यादा देर मैरिनेशन रखेंगे उतना ज्यादा टेस्टी होगा। अब जो सेकंड स्टेप है वो है फ्राइड ऑनियन का। फ्राइड ऑनियन बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरा तेल और 4 से 5 प्याज लंबे कटे हुए। एक डीप कढ़ाई में आप तेल डाल दीजिए। तेल जब भी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसमें कटे हुए प्याज डाल दीजिए। अच्छे से इसको चला लीजिए। और प्याज जब भी थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तभी इसको निकाल के आप साइड में रख दीजिए। ये हम यूज करेंगे लेयरिंग के लिए। अभी जो थर्ड स्टेप है वो है चिकन ग्रेवी का। चिकन ग्रेवी के लिए जो आपको सामग्री चाहिए आप उसे नोट कर लीजिए। उसके लिए हमको चाहिए 1 कटोरा तेल, जो मैरिनेटेड चिकन है 2 तेज पत्ते, जीरा पाउडर 2 स्पून, हरी मिर्च चॉप किए हुए 4 से 5, 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट, 5 से 6 प्याज लंबे कटे हुए, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 5 से 6 टमाटर का प्यूरे, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। हमने ये जो तंदूरी मसाला लिया है वो मंगल ब्रांड का लिया है, आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं। कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते और गरम मसाला पाउडर। चिकन फ्राई करने के लिए आपको तेल चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून और जो मैरिनेटेड चिकन है इसमें आप कढ़ाई में फ्राई कर लीजिए। कुछ इस तरीके से। एकदम क्रिस्पी फ्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको शैलो फ्राई करना है। तो आप ये फ्राई करके साइड में रख दीजिए। अभी एक कढ़ाई में तेल डाल दीजिए। तेल जब भी गर्म हो जाए उसमें आप तेज पत्ता डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, जो हरे मिर्च कटे हुए रखे हैं वो डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको चला लीजिए। जब जीरा भून जाए तो आप उसमें आपका गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए। जब ये अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए इसमें आप कटे हुए प्याज डाल के अच्छे से चला लीजिए। प्याज जब भी अच्छे से पक जाए तभी इसमें आप हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल चिली पाउडर, जीरा पाउडर,
धनिया पाउडर, ये सब अच्छे से मिला के आप इसको अच्छे से भून लीजिए। अगर कढ़ाई में आपका मसाला चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे प्याज का भी पानी निकलने वाला है, इसके लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। आप अच्छे से चलाते रहिए कि वो मसाला जले ना। प्याज जब भी अच्छे से पक जाए तभी आप उसमें टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब मसाले से तेल अलग होने लगे तब आप इसमें तंदूरी मसाला डाल दीजिए, फिर अच्छे से चलाइए। ये मसाला अब पक चुका है। अभी इसमें आप जो हमारे फ्राई किए हुए चिकन है वो डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अभी आप इसमें पानी मिला लीजिए। पानी यहाँ पे हमने गर्म पानी यूज किया है, गर्म पानी मिलाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम और थोड़ा ज्यादा पानी मिला रहे हैं क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है हमको लेयरिंग में काम आएगा। इसमें आप अभी गरम मसाला पाउडर मिला दीजिए, पुदीने की पत्ते और कटे हुए धनिया इसमें डाल दीजिए। अभी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए। अब अगर ग्रेवी का कलर देखेंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये जो ग्रेवी है आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, पर इसको हम अभी बिरयानी में ही यूज करेंगे। अभी ये जो फोर्थ स्टेप है वो है लेयरिंग। हम इसमें एक एक लेयर करके पूरा बिरयानी को बनाएंगे। लेयरिंग के लिए चाहिए आपको 5 से 6 टेबलस्पून घी, 2 तेजपत्ता, बासमती राइस। बासमती राइस मैंने पहले से पका के रखा है। जैसे हम बासमती राइस को अच्छे से खिले खिले जैसे पकाते हैं वैसे ही आपको बना के लेना है। इसमें आपको चाहिए जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हैं, धनिया और पुदीने के चॉप किए हुए पत्ते, स्प्रिंग अनियन चॉप किए हुए पत्ते, पुलाव मसाला जो मैंने बादशाह ब्रांड का लिया है और दूध में थोड़े केसर मिला के रख दीजिए। इसमें हमने केवरा का पानी और जो चिकन ग्रेवी हम लोगों ने तैयार किया है इसे आप सब रेडी कर दीजिए। अभी एक टोप में आप घी डाल दीजिए, उसमें आप तेज पत्ता डाल दीजिए। जो फर्स्ट लेयर हम बनाने वाले हैं वो है राइस का, तो आप उसमें पहला लेयर राइस, बासमती राइस जो पका हुआ है उसका एक लेयर बनाइए इस तरीके से। अब इसमें धनिया और पुदीना जो चॉप किए हैं उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए, स्प्रिंग अनियन ऑप्शनल है। इसमें अभी पुलाव मसाला डाल दीजिए और केसर दूध डाल दीजिए, केवड़ा का पानी मिला दीजिए और अभी एक लेयर चिकन की ग्रेवी जो हमने बनाई है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, पूरा लेयर बनना चाहिए। अभी इसके ऊपर वापस बासमती राइस का लेयर कर दीजिए। इसमें जो फ्राइड अनियन है अभी इसका लेयरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी फिर से सेम प्रोसीजर करना है, धनिया और पुदीने के पत्ते आपको लेयर करने हैं, स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए, केसर दूध डाल दीजिए, केवड़ा का पानी डाल दीजिए। कि केवड़ा का जो पानी है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना है। इसके बाद वापस आप चिकन का ग्रेवी डाल दीजिए, उसका एक लेयर बना लीजिए। और फिर हमने वापस सेम लेयर बासमती राइस के साथ और ऊपर जैसे हमने लेयर किया है वैसे रिपीट कर लीजिए। जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो है स्मोक का। ये जो लेयर बिरयानी है इसके बीच में आप थोड़ा सा जगह बना के ये कटोरा रख दीजिए। कटोरे में पहले कोयला डाल दीजिए जो जले हुए होने चाहिए। इसके ऊपर आप जो होल स्पाइसेस है वो डाल दीजिए और
एक चम्मच घी डाल दीजिए। इसका जब भी स्मोक आने लगेगा इसको अच्छे तरीके से ढक दीजिए। इसको ढक के एक घंटा रख दीजिए। इसके ऊपर आप कोई हैवी सामान भी रख सकते हैं जैसे सिलबट्टा, तो फिर इसका स्मोक और फ्लेवर पूरा अंदर रहता है। अब आप देखिए ये जो लेयर बिरयानी है ये इतना स्वादिष्ट बना है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये बिरयानी आप आपके घर के मेंबर्स के लिए बना सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेशन के लिए बना सकते हैं। मैंने आज ये बनाया है क्योंकि आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए मैंने ये स्पेशल बिरयानी बनाई है। ये बिरयानी को आप रायते के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बनाइए और हमको जरूर बताइए आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अच्छे अच्छे रेसिपी बनाते रहिए। थैंक यू।